तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रविंद्र मान आपका स्वागत करता हूँ। और भाई, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जापान के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। तो भाई, जापान का अभी के टाइम में अगर हम वो पूछें कि भाई किस कंट्री का सही चल रहा है रिस्पांस, तो अभी जापान है। जापान के भाई वीज़ा लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या इसका प्रोसेस है, क्या चार्जेस हैं, क्या फीस है, कैसे आपको करना है अप्लाई, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप विद प्रूफ कि कैसे ये होता है और कैसे आप लोग भी इसको कर सकते हो। तो भाई, अगर आपको जापान का वीज़ा चाहिए तो ये वीडियो आप पूरी देखना, और इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी A to Z कि कैसे आप खुद अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको सर्विस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो जापान के वीज़ा का रिस्पॉन्स भाई अभी के टाइम में अच्छा है, और सब्सक्राइबर्स का आया भी है। और अगर आप चाहते हो कि आपको जापान का वीज़ा अप्लाई करना है, नॉर्मल ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई ज़्यादा अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जैसे 2 या 3 कंट्री, या फिर अगर एक कंट्री में आप ट्रैवल हो, फ्रेश पासपोर्ट भी है, लेकिन फाइनेंशियल आपके अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आप टू द पॉइंट और जो डॉक्यूमेंट हैं आपके वो सारे एक्यूरेट डालकर आप वीज़ा ले सकते हो। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ये जापान का वीज़ा ले सकते हो, और अभी के टाइम इसका रिस्पॉन्स ठीक है, बेटर देन अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग जापान का वीज़ा ले सकते हो, इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, कितना प्रोसेसिंग टाइम है। अगर आप साउथ इंडिया से हो तो कहाँ अप्लाई करोगे, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, फिर कहाँ पर आपको विजिट करना है VFS, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इससे पहले भाई एक बार मैं आपको डॉक्यूमेंट्स जरूर बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहला भाई, एक वैलिड पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट का मतलब है कि एक्सपायर होने में कम से कम 6 महीने होते हैं, लेकिन कम से कम आप 1 साल मान के चलना एक्सपायर होने में। तो मतलब अगर अभी अप्लाई करें तो कम से कम एटलीस्ट 2025 तक उसकी वैलिडिटी हो। दूसरी चीज़, आपका एक वैलिड फोटो। वैलिड फोटो मतलब व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, वो आपके पास होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपकी बैंक स्टेटमेंट में एटलीस्ट, भाई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो एटलीस्ट 3 लाख के आसपास उसमें होना चाहिए बैलेंस और मेंटेन्ड। यानी कि अभी अभी डलवा देते हैं सर, और 2 दिन पहले डलवा दिया फिर अप्लाई कर रहे हो, तो भाई रिजेक्शन हो जाता है ऐसे, तो ऐसा कभी मत किया करो। तीसरी चीज़, आपकी जो ITR है, ठीक है, वो 3 साल की ITR आप लो, नहीं तो फिर 2 साल की भी लगा सकते हो, बट 3 साल की आप लेके चलना अगर किसी के पास है तो। वो चौथी चीज़ है भाई, आपका कोई बिजनेस प्रूफ हो, तो बिजनेस प्रूफ में आप MSME का रजिस्ट्रेशन भी डाल सकते हो, उद्यम का रजिस्ट्रेशन का भी डाल सकते हो, या फिर स्टेट वाइज भाई अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं बिजनेस के। छोटी शॉप है, छोटी दुकान है, किराने की दुकान है, या कुछ और मेडिकल स्टोर है, कुछ और है, तो सबका रजिस्ट्रेशन होता है उसमें, वो भी आप दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं भाई, जॉब करने के लिए थोड़ी डिफरेंट प्रोफाइल हो जाती है। आप जॉब करते हैं तो आपका भाई ज्वाइनिंग लेटर, आपका NOC लेटर, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कंपनी को, आप ट्रैवल कर रहे हो जापान वो डेट के साथ, ठीक है, डेट के साथ, और उसमें मेंशन होना चाहिए कि भाई आप जापान ट्रैवल कर रहे हो। तीसरी चीज़, आपका एक सैलरी स्लिप, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी सैलरी स्लिप, आपका ज्वाइनिंग लेटर, आपका NOC लेटर। तो ये 4 डॉक्यूमेंट सैलरी वाले बंदे के लिए अलग हो जाते हैं भाई, ऑलमोस्ट किसी भी कंट्री का वीज़ा हम अप्लाई करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट भाई, बाकी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो कॉमन है वो आपके पास होने चाहिए। तो अभी चलते जल्दी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो भाई मैं हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ VFS की, VFS ग्लोबल की। तो भाई पूरा इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, 3-4 स्टेप हैं। तो सबसे पहले तो आपको वीज़ा अपना देखना है कौन सा वीज़ा है, ठीक है ना। अब इसमें आ जाते हैं भाई, रीजन अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ जापान। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई काउंसलेट जहाँ जो जापान का मुंबई के, कौन लोग जा सकते हैं वहाँ पे, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, MP ना, छत्तीसगढ़ वगैरह, ये सारे लोग यहाँ पे मुंबई में सबमिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। दिल्ली में कौन कौन से है भाई, अंडमान वाले, दिल्ली मोस्टली ज़्यादातर आ जाते हैं भाई, ये देखियो अपना नॉर्थ ईस्ट भी यहाँ पे है पूरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये सब भाई यहाँ पे, कश्मीर वगैरह सब दिल्ली में सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग है वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा वाले यहाँ पे
तो ये सेंटर है भाई, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ये आपको ज़रूरी है ये। तो अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है इसका एक फॉर्म, वो आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ। हम चलते हैं दिल्ली को लेकर। ठीक है, तो ये देखिए भाई, इतने सारी टाइप हैं इसकी, कितनी सारी टाइप। आप देखो, टेम्परेरी है, विजिटिंग फ्रेंड, फ्रेंड और ये फैमिली, ये हो गया टेम्परेरी विजिट फॉर बिजनेस के लिए, मल्टीपल एंट्री, ट्रांजिट वीज़ा, मेडिकल स्टे, काफ़ी सारे टाइप होती हैं भाई, आपको पता है वीज़ा की, मल्टीपल एंट्री फॉर 30 डेज। ठीक है, तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमें जो करना है वीज़ा अप्लाई, वो है टेम्परेरी विजिटर वीज़ा। तो इसके हैं, ठीक है, अब ये देखो भाई, 90 डेज तक स्टे मिलता है, और ये देख लो भाई, ये इसकी सिंगल एंट्री है, फ़ी चार्जेस जो हैं, ठीक है ना, वीज़ा फ़ी इज़ रिफंडेबल ओनली इफ वीज़ा इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय द एम्बेसी। ये आप देख सकते हो, देर इज़ ए सर्विस चार्जेस ऑफ 650, ये तो सबको लगाते ही हैं भाई, वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। तो ये इसके चार्जेस हैं भाई। ठीक है, अब इसमें आपको पूरी चेकलिस्ट इन्होंने दे रखी है, ये वैलिड पासपोर्ट जो मैंने आपको बताया था, फ़ोटो, ठीक है, एक कम्प्लीटली फिल्ड एंड साइंड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, एक वो ये लिंक है, ये फॉर्म दिया उन्होंने, तो वो आपको फिल करना है, कवरिंग लेटर भाई सबसे ज़रूरी चीज़, ठीक है, जिसमें मोस्टली लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। ठीक है, और ये देखो इन्होंने क्या लिखा है, कवरिंग लेटर स्टेटिंग द पर्पज़ ऑफ विजिट, डे टू डे डिटेल्स। ठीक है, ये एक ट्रैवल आइटनरी बन जाती है पूरी भाई, एक फ़ोटोग्राफ, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, होटल बुकिंग एंड डे वाइज होटल बुकिंग है भाई इसमें, देख लो, स्केड्यूल्ड डे वाइज, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट और लेटेस्ट इनकम ITR इफ एप्लीकेबल, स्टूडेंट और डिपेंडेंट के लिए है भाई। ठीक है, कंसेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, पेरेंट्स से कंसेंट चाहिए, और ITR ऑफ पेरेंट, पेरेंट की ITR लगेगी, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, इन केस ऑफ एकम्पेंड बाय द डिपेंडेंट। तो रिलेशनशिप मतलब मैरिड है तो उसका है ये, लेकिन हम नॉर्मल टूरिस्ट हैं तो अपना इन डॉक्यूमेंट में काम चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो, तो यही है भाई, जापान के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, डॉक्यूमेंट नॉर्मल हैं, किसी के पास भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आप ये फ़ोटो स्पेसिफिकेशन ये देख सकते हो भाई। ठीक है, वही है 34-45 mm का, तो मोस्टली यही होता है सबके पास, ये इसका वो है प्रोसेसिंग टाइम। अब मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, ईच एप्लीकेशन इज़ मिनिमम 4 वर्किंग डेज। ठीक है, 4 दिन लगते हैं भाई, वर्किंग डेज का मतलब होता है वर्किंग डेज, हॉलीडेज और संडे और सैटरडे भी काउंट नहीं होता। एंड डे सबमिटेड द एम्बेसी ऑफ जापान, और प्लीज़ नोट दिस इज़ एन इंडिकेटिव प्रोसेसिंग टाइम ओनली, प्रोसेसिंग टाइम में इंक्रीज और डिक्रीज एट द डिस्क्रिनेशन ऑफ द एम्बेसी ऑफ जापान। वी एफ ग्लोबल इज इन्वॉल्व ओनली इन नॉन जजमेंटल टास्क ऑफ वीज़ा प्रोसेसिंग, डज नॉट प्ले एनी रोल इन प्रोसेसिंग द वीज़ा एप्लीकेशन। तो भाई बड़ी जल्दी रिजल्ट आपको मिल जाएगा इसका, ये इसका छोटा सा प्रोसेस है। और भाई आइटनरी, कवर लेटर, ये बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, लेकिन जैसे इन्होंने यहाँ पे आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन आप डालोगे इसमें, वो भी आप इसमें डालो, प्लस पॉइंट रहेगा। तो ये है भाई, ठीक है, ये आपको पूरा फिल करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, पूरा आप इसको फिल करो और आप इसको लेके जाओ। और ये डॉक्यूमेंट जो इन्होंने मांगे हैं ये वो हैं, और इसके अलावा आपको जो रेडी करनी है वो चीज़ें वो अलग हैं।
अब इसमें जो रेडी करने हैं आपको कवर लेटर, आपकी ट्रैवल आइटनरी, आपकी होटल बुकिंग, आपकी फ्लाइट्स, होल्ड वाली ना कि पेड वाली, होल्ड वाली, ठीक है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हैं जो कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो, ये वाले पासपोर्ट फोटो, एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि उन्होंने दे रखा है वो आपको फिल करना है, कवरिंग लेटर हो गया, और आपका होटल बुकिंग रिजर्वेशन ये मैंने आपको बता ही दी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर अपॉइंटमेंट बुक करनी है भाई, ठीक है। अपॉइंटमेंट आप बुक करो इसकी, और उसके बाद आप जाके सीधा आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको वही तरीका होता है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। मेल आता है आपके पास एक्टिवेशन का, आपको एक्टिव करना पड़ेगा, और उसके बाद आप इन पे जो है बुक कर सकते हो। तो ये अभी हमसे शायद लॉगिन मांगेगा, वो देखिए। तो यहाँ पे ये डिटेल्स मांगता है ये करके, फिर आप एक जिस भी सेंटर जो भी आपके नज़दीक पड़ता है, जो भी मैंने बताया, ये इसकी टाइमिंग है भाई, ये भी आप जान लो। जैसे अगर आप अहमदाबाद में जाएंगे तो मंडे टू फ्राइडे है इस टाइम से इस टाइम तक, न्यू दिल्ली में टाइमिंग ये रहेगी भाई, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी भाई जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप जापान का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी डिटेल थी। होपफुली भाई आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको ये खुद कर सकते हो तो खुद करो, अगर सर्विस लेनी है तो आप इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो तो नाउ। फ्रेंड्स, अभी आपने ये वीडियो देखी भाई, और इसमें आपको पता चल गया ऑलमोस्ट कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या इसका प्रोसेस है, कब तक आपको ये मिल जाएगा, कितने इसके चार्जेस हैं। तो भाई, अगर आपको खुद भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको सर्विस लेनी है इसकी, तो भाई आप इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बहुत सारे बंदे होते हैं खुद कर लेते हैं, लेकिन कई बंदों को सर्विस की ज़रूरत होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना इसको देख सकते हो कि आपके लिए क्या चीज़ है। आप अगर आप सेल्फ कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर सकते तो हम आपके सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो भाई, इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, रियल टाइम एक्सपीरियंस। लोग ट्रैवल करते हैं तो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जहाँ भी वो जाते हैं। अगर आप लोगों को भी कहीं ट्रैवल करना है, फिर आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो पब्लिक के साथ, मेरे साथ, जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, मोस्टली लोग यही करते हैं भाई यहाँ पे। और आप कोई इसका चार्ज नहीं है भाई, कोई जिसे वीडियो में आना चाहता है या फिर कोई बताना चाहता है, ये फ्री है, टोटली फ्री। कोई आओ, इन्फॉर्मेशन शेयर करो जिसे और भी ट्रैवलर्स की हेल्प हो। मैं तो कर ही रहा हूँ भाई, आप लोग भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो में आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है। फॉलो, आपको कॉन्टैक्ट कैसे करोगे भाई, इंस्टा पे डिस्क्रिप्शन में भी है, वीडियो में भी आ रहा होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।